Hello everyone, welcome back to this macroeconomy series lecture number 5. So today we are going to talk about relationship between margin rate of substitution MRS and margin utility. Okay, so in today lecture hum log utility ki definition, margin utility, how to find marginal utility and from the utility, so utility function se marginal utility kaise find kar sakte hain, aur agar data points bhi diya ho to kaise hum marginal utility find kar sakte hain, hai na, agar total utility di hui hai data points se, so kaise usse hum marginal utility find karenge ye dekhenge. Fir is MRS equals to marginal utility of x divided by marginal utility of y, is relationship ko bhi hum stabilize karenge by the deviation. Okay, theek hai, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज यूटिलिटी. यूटिलिटी देखो कुछ है नहीं, अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी गुड हम कंज्यूम करते हैं, है ना, तो जैसे चॉकलेट हम लोग ने कंज्यूम किया तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, तो किसी ने कहा जैसे मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है ना, आफ्टर कंज्यूमिंग 1 चॉकलेट, है ना. तो ये क्या हुई, एक मैंने नंबर दे दिया ऐसे ही रेंडमली कि मुझे एक चॉकलेट खाने से 10 यूटिलिटी मिली, है ना. तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर है ना, न्यूमेरिकल स्कोर, दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय सेटिस्फेक्शन लेवल. ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द कंज्यूमिंग 1 चॉकलेट, सो दैट इज कॉल्ड द यूटिलिटी. ठीक है, अगर यूटिलिटी से हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, तो यूटिलिटी फंक्शन इज ए फॉर्मूला दैट असाइन द लेवल ऑफ यूटिलिटी टू ईच मार्केट बास्केट, है ना. मार्केट बास्केट का मतलब होता है कि सेट ऑफ गुड. ठीक है, जैसे मार्केट बास्केट में समझ लो हमारा फूड हो और क्लोथ हो. ठीक है, फूड एंड क्लोथ, सो दिस इज, इससे जो बास्केट बनेगा दैट इज मार्केट बास्केट. ठीक है, क्योंकि इस बास्केट में 2 से ज्यादा गुड हैं, कितने भी गुड्स हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं. ठीक है, सो इससे जो है, ये 3-4 गुड्स से जो है हमें क्या, इसका हम यूटिलिटी फंक्शन बना सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे फूड के लिए एफ है एंड क्लॉथ के लिए सी है, सो यूटिलिटी ऑफ फूड एंड क्लॉथ इज एफ इंटू सी. ठीक है, सो दैट इज शोइंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग द अ फॉर्मूला, राइट, दिस काइंड ऑफ द फॉर्मूला वी आर असाइनिंग टू द लेवल ऑफ यूटिलिटी टू ईच मार्केट बास्केट. ठीक है, अगर जैसे मार्केट बास्केट में हमारा कोई बास्केट है, उसके अंदर अगर 3 गुड होते हैं, है ना, एक्स वाई जेड, तो इसके लिए अगर यूटिलिटी फंक्शन बनाना होता तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या हो जाता, कि दोनों अगर तीनों का प्रोडक्ट कर लिया जाए तो ये एक हमारा यूटिलिटी फंक्शन होता. ठीक है, सो दिस इज आवर यूटिलिटी फंक्शन. ये यूटिलिटी फंक्शन अगर हमें पता चले कि हम कितने यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी हमें, जो हमें बताएगी हम इतने लेवल की यूटिलिटी गेन कर रहे हैं बाय कंज्यूमिंग दिस 3 गुड्स, राइट. सो ये होती है यूटिलिटी और यूटिलिटी फंक्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. सो मार्जिनल यूटिलिटी, ऑफकोर्स मार्जिनल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली. ठीक है, सो मार्जिनल यूटिलिटी रिफर टू एडिशनल बेनिफिट डेराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज. ठीक है, जैसे मैं 10 यूनिट अभी 10 यूनिट ऑफ चॉकलेट कंज्यूम कर रहा था, उससे मुझे 100 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिल चुकी है. मैं 11वां कंज्यूम करता हूँ, उससे मुझे 105 की हो गई. तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे एक यूनिट से मैंने कंजम्पशन इंक्रीज किया, 1 मोर यूनिट ऑफ स्पेसिफिक गुड. ठीक है, तो उससे मेरे यूटिलिटी में क्या डिफरेंस आया, यूटिलिटी मुझे कितना मिली, 5 का चेंज आया ना, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि क्या हुआ, 5 मुझे एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली बाय कंज्यूमिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड, राइट. सो मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप क्लियर हो. सो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकती है. ठीक है, है ना, मे बी मुझे नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कोई यूटिलिटी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो वहां पे क्या होगा, जैसे अगर अगर ऐसी हो कि 10 चॉकलेट कंज्यूम करने से मुझे सिर्फ 100 यूनिट ऑफ यूटिलिटी मिली, नाउ 11 यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कुछ चेंज आया नहीं, मैं उतना ही खुश था या उतनी यूटिलिटी मुझे मिली जितना 10 पे, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी, हम लोग एक एक्स्ट्रा चॉकलेट तो कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, बट यूटिलिटी में चेंज कितना आ रहा है, जीरो, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, जीरो. ठीक है, तो
मार्जिन यूटिलिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम। ठीक है, यू कैन राइट लाइक दिस, लेट मी जस्ट रब दिस पार्ट। ओके नाउ सी, सो मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन कंजम्पशन। अब यहाँ पे कंजम्पशन के लिए गुड तो क्वांटिटी बोल दे रहा हूँ मैं, क्यू। ठीक है, अगर अगर लेसे इसको डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है ना, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है ना, तो ये जनरल के लिए ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये दोनों सेम थिंग होती है, डेल और डेरिवेटिव। ठीक है, ये मैं प्रीवियस वीडियो से बताते हुए आ रहा हूँ। नाउ चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिसमें कैलकुलेट करना सीखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन यूटिलिटी, है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले से ये वैल्यू लिख रखी है, बट आई विल शो यू हाउ टू कैलकुलेट इट, है ना। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैसे, अगर ऐसे डेटा पॉइंट आपको वो सिर्फ इतना देगा, ठीक है, टोटल यूटिलिटी एंड क्वांटिटी, है ना, तो आप कैसे मार्जिन यूटिलिटी फाइंड करोगे। ठीक है, सो मार्जिन यूटिलिटी का मैंने फॉर्मूला बता रखा है। मार्जिन यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, राइट। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो क्वांटिटी में चेंज कितने का है, क्वांटिटी कंज्यूम यहाँ पे कितना है, वन का है ना, वन का चेंज है ना, तो चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम इज वन। इसको सिंपल आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1 दैट मीन्स इक्वल्स टू 1। नाउ चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितनी है, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी यहाँ पे कितनी है, 35। उसके पहले कितनी थी, इनिशियली एक यूनिट कंज्यूम करने पे उस समय थी 20, तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितनी है, 15, राइट। नाउ द मार्जिन यूटिलिटी कितने आ जाएगा, मार्जिन यूटिलिटी आ जाएगा चेंज इन टोटल यूटिलिटी, वो मेरा 15 है, चेंज इन क्वांटिटी वो 1 है, तो मार्जिन यूटिलिटी कितनी आ गई, 15, राइट, है ना। ठीक है, वैसे सिमिलरली आप 47 में से 35 सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये आ गई हमारी मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ पे देखो क्वांटिटी कंज्यूम हर जगह चेंज कितने का है, 1 का है, इसलिए डिवीजन में तो ऑलवेज 1 होगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 का है, यहाँ पे भी 1 का है, सो डिवीजन में तो ऑलवेज, यानी डेल क्यू की जगह वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अगर मार्जिन यूटिलिटी फाइंड करनी तो डिफरेंस फाइंड कर लो। यहाँ पे 55 में से 47 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, राइट। 60 में से 55 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ गया हमारा मार्जिन यूटिलिटी, राइट। ठीक है, सो जस्ट डिफरेंस हो गया। अगर चेंज इन क्वांटिटी अगर 1 है, तो मार्जिन यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी भी होगा। ठीक है, सो ये बात क्लियर हो गई। नाउ अगर यहाँ पे तो 1 गुड था, यहाँ पे देखो कोई एक ही गुड कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है, कोई एक गुड वो कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, उसमें बस वो यूनिट इंक्रीज करते जा रहा था। बट लेट्स से 2 गुड्स हो, लाइक अगर यूटिलिटी फंक्शन हमारा ऐसा दिया हो, एक्स वाई, ठीक है, 2 गुड्स अगर कंज्यूम कर रहा हो, तो यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी यही है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एक्स गुड में चेंज होने से कितना चेंज हो रहा है यूटिलिटी में, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, राइट। बिकॉज वाई वाई कॉन्स्टेंट, बिकॉज मेरे को ये चेंज चेक करना है कि ये मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, कि चेंज इन एक्स ड्यू टू चेंज इन एक्स टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हो रहा है, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे मतलब है कि हमें ये यूटिलिटी फंक्शन की प्रोडक्ट है एक्स इंटू में वाई, तो अब इसका हमें बस एक्स के साथ डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है, जिसमें वाई कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि हमें हम यूटिलिटी फाइंड कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट ही होगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ करोगे तो 1 आता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वाई, है ना, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या आ गया, वाई, राइट। बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन था। नाउ अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई,
तो ये इसका मतलब क्या होगा कि चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द कंजम्पशन ऑन ऑफ वाई, यहाँ पे क्या होगा एक्स कांस्टेंट होगा, राइट। एक्स क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज इन वाई देख रहे हैं। अब एक्स जितना कंज्यूम कर रहा है उतना ही करना है हमें, वाई में कंजम्पशन इंक्रीज करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन की जगह हम रख देंगे एक्स डॉट वाई, यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है तो एक्स बाहर आ जाएगा, वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वो वन होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो वो वाई एक्स ही आएगा। तो माजर यूटिलिटी ऑफ वाई इज एक्स, ठीक है। तो ऐसे फाइंड करते हैं माजर यूटिलिटी ऑफ एक्स, माजर यूटिलिटी ऑफ वाई, राइट। नाउ ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी अगर मुझे फाइंड करना है, अब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप जो थी कि मार्जिन यूटिलिटी और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स एम आर एस एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ठीक है, जस्ट मैंने डेफिनेशन याद कराने के लिए ये लिख दिया है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एम आर एस। एम आर एस क्या था, द रेट एट विच द कंज्यूमर विल गिव अप वन गुड टू गेट मोर ऑफ अनदर होल्डिंग द लेवल ऑफ यूटिलिटी कॉन्स्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होल्डिंग लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट, ये याद रखना। इसी से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द मार्जिन यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप हम लोग इस डेफिनेशन के बेस पे ही फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है अभी, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो वी नो दैट अगर गुड एक्स वाई हो, है ना, तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डेविएशन ऑफ डी वाई अपन में डी एक्स, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, राइट। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व, राइट। नाउ एम आर एस ये होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या होता है, चेंज इन यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, यहाँ पे वाई कॉन्स्टेंट है वो पॉइंट में लिख नहीं रहा हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई क्या होगा, चेंज इन और डी यू बाय डी वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन बातें जो हैं वो हमें पता है। अब इस पे से हम लोग फाइंड करेंगे क्या कि क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। सो हमारे यूटिलिटी फंक्शन है एक्स वाई इक्वल टू, अभी तो हम ले से एक्स वाई इक्वल टू कोई पर्टिकुलर यूटिलिटी दे रहा है, ठीक है, कोई इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लो, है ना, टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डी यू अपॉन में डी एक्स इंटू में डी एक्स प्लस डी यू अपॉन में डी वाई इंटू में डी वाई इक्वल टू चेंज इन कॉन्स्टेंट। अगर कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स यूटिलिटी में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये कॉन्स्टेंट कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, और ये टोटल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। नाउ नाउ वी नो दैट दिस पार्ट, दिस होल पार्ट इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हम लोग ने पीछे दिखाया था चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये पार्ट जो है किसके बराबर होता है, ये होता है मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई, राइट। सो ये हम पुट कर देंगे, तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई डॉट डी वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेंज इन यूटिलिटी हम लोग ने बोला है पर्टिकुलर यूटिलिटी के लिए, यानी एक नंबर है ये कॉन्स्टेंट है, तो इसमें चेंज क्या होगा, जीरो होगा, राइट। नाउ हमें यहाँ पे क्या करो, इसको इस टर्म्स को इक्वल के उस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एम वाई इंटू में डी वाई, ये इक्वल की साइड आएगा तो माइनस एम यू एक्स डॉट डी एक्स, राइट। नाउ वी नो दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी एक्स को दोनों बाजू डी एक्स से या तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे तो ये कट के वन हो जाएगा, राइट, और एम वाई से भी डिवाइड कर दो, दैट मीन्स मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई, राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, या तो आप ऐसा बोल दो कि डी एक्स को हम लोग इधर ले गए इसके नीचे और एम वाई को इधर, ठीक है। ये आ गया हमारा, क्या आया हमारे पास कि मार्जिनल
डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एम यू एक्स डिवाइड बाय एम यू वाई, राइट, है ना। वी नो दैट कि ये किसके बराबर होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स दैट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, किसके बराबर होता है, एम आर एस, ठीक है ना। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इसको अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में लिखें तो एम आर एस इक्वल्स टू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। दिस इज आवर रिलेशनशिप, है ना, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना कि इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उससे हम क्या डीवाई अपॉन में डीएक्स हम लोग ने प्रूव किया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो ये पूरा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बेस पे हम आगे भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, कि कैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस का। बट हमारे पास अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने जो ये डिस्कस किया है, ठीक है, सॉरी, हाँ ये वाला, ये क्वेश्चन अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना, एक एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर यूटिलिटी फंक्शन ये दिया हो तो इसका हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर फाइंड करना हो, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर दूँ तो कैसे फाइंड करोगे आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग डायरेक्ट हम लोग एम आर एस फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें से बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है, आपको पता है जब एम आर एस मिल जाता है तो इसमें से हमारा बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे पॉइंट हमें समझ में आता है कि अगर ये इंडिफरेंस कॉन्वेक्स होगा इसकी एम आर एस डिक्रीज डिमिनिशिंग होगा या नहीं, ठीक है। ऐसे और भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है, बट नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।